सी कमी रह गई ये सांस, कमी रह गई ये बता दो बता दो ये बता दो कन्हैया मुझसे दूर क्यों गया, दूर क्यों गया ये बता दो कन्हैया मुझसे दूर क्यों गया, दूर क्यों गया। नमी रह गई प्यास नैनों के अंदर, नमी रह गई है सांस, नमी रह गई ये बता दो कन्हैया मुझसे दूर क्यों गया, दूर क्यों गया। मेरी दही भी जमी की जमी रह गई, मेरी दही भी जमी की जमी रह गई सांस, जमी रह गई बता दो ये बता दो दूर क्यों गया, दूर क्यों गया ये बता दो अंत बात में रोते रोते कहती है बस एक बात कह देना और देखो गौर करना क्या कहा माने। पीर मेरे जिया की वो जान ले, पीर मेरे जिया की वो जान ले, पीर मेरे जिया की वो जान ले, पीर मेरे जिया की वो जान ले आप नहीं तो मेरी जान ले, मेरी जान ले। और ना खुशी मिल सकी केवल कमी रह गई, और ये भस्मी भी तन पर रमी रह गई ये सांस, रमी रह गई ये बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राम।
मेरे गोविंद की बड़ी विलक्षण लीला है। उद्धव गोपियों को जब गोपियों के मध्य में जाते हैं तो जो श्री कृष्ण ने पत्र दिया था वो पत्र पकड़ाते हैं तो सारी गोपी एक एक करके दौड़ती हैं, पत्र मेरे लिए भेजा है, पत्र मेरे लिए भेजा है, पत्र मेरे लिए भेजा है। जो पढ़ने की वस्तु थी उस पत्र में से भी किनक 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 गोपियों के हाथ में जा जा से टुकड़े और उसे अपने माथे से लगाती हैं, हृदय से लगाती हैं कि कृष्ण ने मेरे लिए भेजा है। उद्धव सोच रहे देख लो अब ये पत्र था इसे भी श्रद्धा में बदल दिया इन्होंने। कृष्ण उद्धव और आगे गए तो एक भंवरा श्री राधा जी के चरणों में चरण छूने की इच्छा से आ रहा था तो श्री राधा जी कह रही ए भंवरे चल हट दूर हट, तेरा भी वही श्याम रंग है जो उस कृष्ण का है। जैसे उसे किसी एक से प्रीति स्थिर नहीं है ऐसे ही तू है, तेरी भी किसी एक पुष्प से प्रीति नहीं है। कभी तू किसी पुष्प राग का आनंद लेता है तो कभी किसी पुष्प का आनंद लेता है। जैसे मथुरा में उसका ओष्ट राग भी उस कूब जाके ओष्ट राग में लथपथ हो रहा हो। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी छिली गई खिसक गई कि ये भंवरा में भी कृष्ण दर्शन करते हैं। उद्धव कहते हैं गोपियों अपने मन को तुम श्याम में ही लगा दो, उस ब्रह्म में लगा दो, इस रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा, उस पर ब्रह्म में अपने मन को लगा दो। तो गोपी कहती हैं उद्धव मन न भय दश विष, एक हतोसो गयो श्याम संग अब को अब रात है ईश। अरे उद्धव मन न भय दश विष, और क्या कहती हैं उद्धव श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठो याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिना नाय जिए, आधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उद्धव तुम भय बौरे आए पाती लेके दौरे, जोग कहा राखे हमारे रोब रोब श्याम है। उद्धव तुम क्या शिक्षा देते हो जोग करने, हमारे तो रोम रोम में श्याम बसा। अरे हमें तो जोगनिया बनाए गए और हमें तो जोगनिया बनाए गए
सकंसस्य महिष्यो भरतर्षभः मृते भर्तरी दुःखार्थे ईशतु इस्म पितुर्ग्रहात्। राजा कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के घर गई जरासंध के यहां। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई करी, एक एक करके 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी, लेकिन पराजय का ही मुंह देखना पड़ा। 18वीं बार कालियावन का साथ लेकर के चढ़ाई करता है तो मेरे गोविंद ने विचार किया कि ये इतनी 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेके आता है। कालियावन को साथ लिया और 23 अक्षौहिणी सेना। श्री कृष्ण बलराम ने विचार किया कि इतनी सेना एक साथ जब मथुरा पर आएगी तो कहीं ना कहीं से मथुरा में प्रवेश जरूर कर जाएगी और ये मेरे यहाँ के गोप गोपियों को परेशान करेंगे, इसलिए विश्वकर्मा को आज्ञा दी और समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण किया और सभी ब्रज गोप गोपों को द्वारकापुरी में स्थानांतरित कर दिया। मेरे गोविंद वहां से रण छोड़ करके भाग जाते हैं तो इनका एक नाम और पड़ा, रण छोड़ भगवान। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। और कहां चले गए रण छोड़ करके? धौलपुर की गुफा में जहां मुचकंद सोए हुए थे। कालियावन इनके पीछे पीछे है और गोविंद आगे आगे। कालियावन को अपना पीतांबर उड़ा दिया, गोविंद छुप गए। मुचकंद को कालियावन ने मुचकंद जी में अपना एक चरण का प्रहार किया। मुचकंद जी जैसे ही जगते हैं उनकी दृष्टि पड़ती है तो कालियावन का प्राणांत हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री कृष्ण ने द्वारका में जाकर के निवास किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब द्वारका में सूत जी कहते हैं मेरे गोविंद के कितने ब्याह है? 16108। कितने ब्याह? 16108। और विचित्र सी बात बताऊं आप पे, राजा परीक्षित को सर्प दंश करने का समय है और कथा कौन सी सुनावे का जा रहे हैं? ब्याहन की। हाँ, तो ये विवाह की कथा नहीं है, ये ईश्वर और जीव के मिलने की कथा है। जब जीवात्मा ईश्वर से मिलने के लिए विरहातुर होता है तो मेरे गोविंद किस प्रकार उस जीव पर कृपा करके उसे अपने से मिला लेते हैं।
भीष्मक कन्या रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई थी। नारद जी ने इन्हें पहले ही जाकर के बताया था कि तुम्हें वरण में श्री कृष्ण प्राप्त होंगे, तो रुक्मिणी का मन श्री कृष्ण चरणों में पहले से ही अनुरागित था, लेकिन इनके भाई भीष्मक इनका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते थे। इनके पिता ने भी उसका विरोध नहीं किया, लेकिन रुक्मिणी जी ने अपने गुरुदेव को बुलाया, जो इनके आचार्य थे पंडित जी, और बुलाकर के कहा, आप गुरुदेव मेरा एक कार्य कर दो, मेरा एक पत्र द्वारिका तक पहुंचा दीजिए। इधर शिशुपाल अपनी बारात लेकर के द्वारिका में आ चुका था। जयंती सबको इसने बुलाया, लेकिन द्वारिका में इन्होंने कोई संदेशा नहीं भेजा, तो रुक्मिणी ने पंडित जी के द्वारा एक पत्र भिजवाया। रुक्मिण्या समय कांते लिखित्वा दत्त पत्रिका मुद्रा मुंच कृष्णाय प्रेम चिन्ह मदर्शयत। बुलाकर के कहा, हे विप्रदेव, आप मेरी ये पत्रिका आप द्वारिका तक पहुंचा दो। और क्या लिखा रुक्मिणी जी ने उस पत्र में लिखा, क्या बता में? श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर, उसमें लिखा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणुताते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो अंगतापम रूपम दृशा दृश्यमता मिखिलार्थ लाभम त्वत्वच्युता विशति चित्तम पत्र में। रुक्मिणी ने लिखा, हे गोविंद, हमने सिर्फ सुना है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, मैंने ऐसा सुना है कि आप भुवन सुंदर हो, निर्विश्य कर्ण विवरे विवरे हरतो अंगतापम, आपके गुणानवाद ऐसे हैं कि यदि वो सच्चे हृदय से सुन लिए जाए तो शरीर के हरेक ताप को नष्ट करने में सक्षम हैं। ताप कौन से होते हैं? दैहिक दैविक भौतिक। काय से दूर होते हैं? भगवान के नाम से। तीनों ताप समूल नष्ट हो जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं का हुए व्यापा। आपके गुणानवाद यदि सुन लिए जाए तो ये जितने भी ताप हैं सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ये बात रुक्मिणी कहती हैं। और क्या कहती हैं? रूपम दृशा दृश्यता मता खिलार्थ लाभम, मैंने अभी तक नहीं देखा है, मैंने सुना है कि आपका स्वरूप ऐसा है त्रिलोकी में कोई नहीं है। ही त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपका गुणगान सुना है, मैं लज्जा शर्म से सबसे निवृत्त हो गई हूँ और मैं तन मन से आपके समर्पित हूँ। ऐसा न हो कि सिंह के भाग को स्यार ले जाए, मैं आपकी सहधर्मिणी आपकी पत्नी बनने के लिए मैं आपको ये पत्र लिखती हूँ कि आप आकर के मुझे यहाँ से ले जाए। यदि आप युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि मेरे भाइयों से और